हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में, और ये स्टॉक उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या फिर जिस स्टॉक में बहुत कम करेक्शन होता है उस तरीके का ये स्टॉक होने वाला है, और लॉन्गर टाइम में ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ट्स पर जानेंगे किस तरीके के लेवल्स इस स्टॉक में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप देखिए 71,229 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1,403 रुपए का है। 52 वीक हाई देखिए 1,709 का बनाया था, और 52 वीक लो देखिए 1,168 का, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 1,403 पर। और डिविडेंड यील्ड की भी बात करते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी बनाकर देती है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 9.71% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल का इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 10% के पास है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ 10 साल का देखें 13.55% का है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं 10 साल का तो 23.75% का, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार मेंटेन किया है इस कंपनी ने। डेप टू इक्विटी रेशियो देखेंगे अगर आप तो 1 से कम का है, और टोटल डेप्ट इस कंपनी के ऊपर देखेंगे, इसको भी अगर राउंड फिगर में करते हैं तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ का डेप्ट है। उसके सामने रिजर्व्स की बात करते हैं तो 4,325 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 69.92% का है, और एक भी शेयर गिरवे नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर तो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। अब इसके देखते हैं रिजल्ट्स किस तरीके के रहे हैं, क्वार्टर वाइज भी एनालिसिस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करने वाले हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर को। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो सेल्स देखिए 1,807 करोड़ से 1,927 करोड़ का है, सेल्स बड़ा है यहाँ पर। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 368 करोड़ से 463 करोड़ का हुआ है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 324 करोड़ से 342 करोड़ का हुआ है, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो क्वार्टर वाइज यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। अब हम देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज, ईयर वाइज किस तरीके से रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेल्स देखिए टीटीएम से कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ से बात करते हैं तो 7,390 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,370 करोड़ से 1,554 करोड़ का हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 925 करोड़ से बढ़कर 1,194 करोड़ हो चुका है, और 2008 में देखिए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखिए 172 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर देखिए कम हुआ 2009 में, फिर देखें आप 273 करोड़ का है, फिर देखें 310, 324, उसके बाद देखें 400 करोड़ के आसपास, 450 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 850 के आसपास, फिर देखिए 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, फिर कम हुआ, लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रो भी कर रही है, नेट प्रॉफिट भी अगर ओवरऑल देखते हैं लॉन्गर टर्म में तो बढ़ रहा है, और इसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, इसका प्राइस भी लॉन्ग टर्म में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरीके के रिटर्न बनाकर दिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप इसका अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो देखिए सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं, सीएजीआर भी बहुत अच्छा है, यानी कि लास्ट 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। 10 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। स्टॉक का नाम देखिए, स्टॉक का नाम है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज, 1,402 का अभी क्लोजिंग है, और इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो 1 वीक की बात करें तो 2.31% का है, 1 महीने में आप देखिए कितना करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 9% के आसपास। ईयर टिल डेट में देखिए 1% का रिटर्न है, 1 साल में देखिए 14% का रिटर्न है, जहां पर सेंसेक्स ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है वहां इस स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी, और 3 साल में देखिए ऑलमोस्ट 84% के आसपास रिटर्न है, और 3 साल में अगर आपको 80 से 100% रिटर्न मिलता है तो वो स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 5 साल में भी देखिए 156% का रिटर्न ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, और 10 साल में देखिए आप
1151% का सेंसेक्स को आउट परफॉर्म इस स्टॉक ने किया हुआ है। इंडस्ट्री पी से इसका पी ज्यादा है, तो हमेशा आपको इसका पी ज्यादा ही नजर आने वाला है, और पी इसका कम तभी आपको मिलेगा जब ये कंपनी लगातार 2 से 3 साल प्रॉफिट नेगेटिव में जनरेट कर दे, या फिर इसमें मैनेजमेंट में कोई बैड न्यूज आ जाए, या प्रमोटर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आती है, तभी ये सिचुएशन आ सकती है। अदरवाइज इसका पी आपको हमेशा हाई ही मिलने वाला है। डिविडेंड शानदार है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है, आरओई बहुत जबरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो मार्च 2020 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.27% होल्डिंग घटाई है। इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग घटाई है ना के बराबर, अदर डीआईज ने होल्डिंग भी ना के बराबर घटाई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। 31 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 562 एफआईज का पैसा लगा हुआ है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो एक्सिस इक्विटी एडवांटेज फंड का पैसा लगा हुआ है 2.316% का है। तो ओवरऑल देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कंपनी करती क्या आप सभी को पता है, पीडीलाइट का। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वेल नोन नेम इन द एडेसिव मार्केट। द कंपनी has diversified into the various segments such as adhesive and sealants, construction and paint chemicals, automotive chemicals, art material, industrial adhesive, industrial and textile resins and organic pigments and preparation. They have created brands like Favicol EC का ब्रांड है, डॉक्टर फिक्सेट है, साइक्लो है, हॉबी आइडियाज है, रॉफ है, एमसील है, तो बहुत ही शानदार इसके प्रोडक्ट हैं, इसीलिए मैं इस कंपनी को केमिकल सेक्टर में कंसीडर करता हूं, और ये कंपनी शानदार रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बना कर दे सकती है। आज के सेशन की बात करते हैं तो आप देखिए ऑलमोस्ट 166,542 क्वांटिटी डिलीवरी में ट्रेड हुई है, 29.13% का आज डिलीवरी हुआ है, तो अच्छा खासा डिलीवरी भी हुआ है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसके चार्ट पर, चार्ट से पहले इसके डिविडेंड को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंपनी ने 2020 में भी 13 मार्च को ₹7 का डिविडेंड दिया था। आप देखें 2019 में ऑलमोस्ट ₹6.50 का डिविडेंड दिया था, 2018 में ₹6 का, 2017 में 4.75 और 2016 में 0.50। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये कंपनी लगातार अपना डिविडेंड भी बढ़ा रही है, यानी डिविडेंड भी हर साल आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये भी फायदा रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके चार्ट पर, मंथली चार्ट पर मैंने स्टॉक को लगा कर रखा है क्योंकि मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। 1403 का भी करंट प्राइस चल रहा है, और यहां पर से अगर मैं देखता हूं तो आप ये रेड कलर की लाइन पर ध्यान दीजिएगा और एक पर्पल कलर की लाइन पर ध्यान दीजिएगा। एक तो ये रेड कलर की लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, और इसके नीचे अगर जाता है, इसके नीचे अगर कैंडल्स बनती है तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है इसी के आसपास आकर स्टॉक वापस से बाउंस बैक कर देता है, और ऐसा इससे पिछले में 2 महीने में लगातार हुआ है। 2 महीने में आपको देखा जाए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने मौका दिया है आपको बाय करने का, और मैंने आपको बताया भी है, और जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और अभी भी ये स्टॉक अपना जो 10 ईएमए लगभग लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 का ईएमए जो है 1400 का है, ठीक है, अभी 1403 पर है, और अभी ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 2 ऑलमोस्ट सेशन बाकी हैं। तो वहां से अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है तो इसका एक अच्छा सा सपोर्ट ₹1300 के आसपास बन रहा है, और उससे नीचे जाता है तो 1207 के आसपास बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या आ गए इसके पास हमारे, इससे अगर नीचे जाता है तो 1300 का मान लेते हैं रफली, और एक मान लेते हैं 1200 का, और अभी ट्रेड क्या कर रहा है 1400 का, 1400 मान लेते हैं रफली। तो अगर आप यहां से अगर एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं और गिरता है अगर नीचे तो बाय ऑन डिप्स करते हैं, लेकिन आपको लॉन्गर टाइम पीरियड का विजन रखना पड़ेगा, आपके लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि स्टॉक ज्यादा से ज्यादा अगर वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो ₹200 नीचे गिर सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा तो आपको ₹1700-1800 के लेवल के आसपास जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप एसआईपी कीजिए, एक डेट डिसाइड कर लीजिए, और इसमें हर महीने 2 शेयर भी बाय करेंगे तो ऑलमोस्ट 2800 के आसपास
अमाउंट आता है तो ऑलमोस्ट नियर इक्वल टू हम 3,000 रुपये मान लेते हैं। तो 3,000 रुपये भी हर महीने अगर लगाते हैं तो ये कंपनी आपको हर 4 से 5 साल में लगभग 100 से 150% का रिटर्न बनाकर दे सकती है। ये मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस है, आप लोग भी अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक के एनालिसिस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।